ये रही हमारी बाइक सेफ एंड साउंड, और ये रहा मेन स्ट्रीट गोकर्ण का। यहीं पर ही सारे शॉप्स है, आपको सब मिलेगा यहाँ पर। ज़्यादातर हमको तो दिखे सिर्फ मसालों के शॉप्स, बट बाकी भी है, आप ले सकते हो जो कुछ भी आपको चाहिए। सो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, ये रहा आगे मंदिर। सो चलिए देखते हैं। सो हुआ ये कि हमने बाहर से ही दर्शन ले लिया। वहाँ पे सिर्फ लुंगी के साथ उतना ही जाना पड़ेगा। ये रही चैरियट। सो मैंडेटरी है वहाँ पर लुंगी, बस लुंगी पर ही जा सकते हैं। सो अभी हमको जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, इडली, इडली वड़ा सांभर। सो ब्रेकफास्ट करते हैं मिलते। ब्रेकफास्ट हुआ ख़त्म, अभी फ्रेंड को लेना है शॉर्ट्स। अभी यहाँ पर ही शॉप है, ये आ गए हम शॉप पे। सो अभी शॉर्ट्स लेते हैं और फिर सीधे रूम से फिर सीधे बीच एक्सप्लोर करने। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे ये ब्लैक का साहिर है। हुआ ख़त्म, शॉर्ट्स ले लिया, अभी चलते हैं अभी बीच एक्सप्लोर करने। ये है गोकर्ण मेन बस स्टैंड, यहाँ पर सारे बसेस रहेंगे। देखिए मार्केट, सारे तरह के फिश पॉन्स, मार्केट ही है। सो ये आ गया होटल, अभी चेंज करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। चलिए ये देखिए रूम की हालत क्या हो गया। काफ़ी अच्छा रूम है, ये कुछ ऐसा दिखता हुआ। सो ये है वॉशरूम कुछ ऐसे, काफ़ी अच्छा है। और ये बालकनी है बाहर, वो ये कुछ ऐसा था। ये टीवी है, ये कुछ ऐसा रूम। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज डे टू इन गोकर्ण, अभी हम सब रेडी हो गए, अभी जाना है बीच एक्सप्लोर करने। सो मिलते हैं सीधे फोटो ब्लॉग पे। सो रूम में फ्रेश होकर अभी हम निकल रहे हैं। सो पहले जाना है बीच, दो बीच है यहाँ पर, वो दो बीच एक्सप्लोर करना है आज। ये तो आपने देखा ही रहेगा। सो यहाँ से फटाफट बाहर निकलते हैं और फिर मिलता हूँ। देखिए रास्ता कहाँ से लेके जा रहा है, गूगल मैप भी जय हो। रास्ता है या जंगल से जा रहा है ये, अरे बाप रे, कुछ अलग ही है, एकदम बढ़िया लगता हुआ। अलग ही है यार ये, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं ओम बीच, इधर ही पास में एक 3-4 किलोमीटर दूर है। रास्ता देखिए, रास्ता तो अच्छा है बट आजू मेरे दोनों साइड में जंगल ही जंगल है।
ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा एज यूजल, और यह ऑफ रोडिंग हमारा एडवेंचर शुरू एकदम बढ़िया। देखो ये आ गया मेन रास्ता, नीचे ऊपर ये आ गया हम मेन रोड पे। देखिए कहाँ से लेके आया हमें, वो उधर से आया हम। ऐसे रास्तों का कुछ अलग ही मजा है, दोनों साइड जंगल, बीच में रास्ता अच्छा है, इतना भी ख़राब नहीं है। लगता है हम एकदम ऊपर जा रहे हैं अभी और फिर नीचे उतरेंगे। काफ़ी बढ़िया रहा हमारा ट्रिप है कल, हमने आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉक में हमने भुवनेश्वर गए थे और एक बीच में भी गए थे। हैंगिंग ब्रिज काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए क्या व्यू पॉइंट है, एकदम बढ़िया दिखता हुआ दिखाते हैं रुको आपको। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट था वहाँ पर, अभी जस्ट आपने देखा ही होगा। लाइव में कुछ अलग ही लगता है, हम पता नहीं कैमरा जस्टिस करता है कि नहीं व्यू को, बट इट्स अमेजिंग व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे बीच की ओर, वो सीधे मिलते हैं बीच पे, अगर बीच में कुछ अच्छा व्यू रहा तो रोक देंगे, नहीं तो फिर सीधे बीच पे। काफ़ी ट्रैफिक भी है रास्ते पे, आज संडे भी है और रहेगा ही, और रास्ता भी देखो एकदम छोटा ही है, साइड में खाई एकदम बढ़िया लग रहा है। तो मिलते हैं ओम बीच 1 किलोमीटर, शायद भीड़ ज़्यादा ही है गाड़ियों को देख कर तो लग रहा है। देखिए कहाँ तक पार्किंग करा रखा है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, अच्छा खासा। अच्छा पार्किंग मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हम तो निकल जाएंगे भाई, निकलना यार, ये लोग साइड भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं, उनके पीछे ही रुकना पड़ता है, हमारा टाइम वेस्ट। ये कार वालों का ही है प्रॉब्लम, और ये बंदा तो क्या चला रहा है बाइक, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पहुँच गया, हम बाइक पार्क करते हैं और फिर मिलते हैं। बीच यह है ओम बीच, कुछ ऐसा दिखता हुआ।
काफी भीड़ है। काफी अच्छा लगा यहाँ पर, देखिए मेरे पीछे काफी भीड़ है, बट उतना भी नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, संडे के दिन कम ही है। सो अभी देखते हैं, और 2 या 3 बीचेस है यहाँ पर ही, वो बोट से जाना पड़ेगा, देखते हैं अभी ये एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, अरे पाइनएप्पल तैयार कर रही है, डाल तू अंदर डाल रहा है, मैं पीछे कर रहा हूं, तू डाल चलता हूं। अरे क्यों हो रहा है, चल डाल। यहाँ पर एक्टिविटीज है, देखिए वहाँ पर लेके जा रहे बनाना राइड, जो जो एक्टिविटीज है यहाँ पर है। फटाफट से जो है काफ़ी ह्यूमिडिटी और धूप, क्या मन लगे कहना की फेयर मंट लो। ओके मंटे, अब खा रहे वाटरमेलन, गर्मी में ठंडा का मजा। बोट राइड होता है, 2-3 बीचेस है, आपको लेकर जाएंगे, हाफ एन आवर का कुछ राइड रहेगा ये बोट राइड। ये देखिए जो बोट्स आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपको लेकर जाएंगे। तो वहाँ तक एक्सप्लोर करने के बाद हम ये जा रहे हैं, इधर ही कैफ़े है। कौन सा कैफ़े? अरे कौन सा कैफ़े? नमस्ते कैफे, इट्स अ नमस्ते कैफ़े हेयर इन होम बीच, काफ़ी फेमस है कैफ़े। सो वहीं पर कुछ खाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हम बैठे हैं नमस्ते कैफे पे, देखते हैं कुछ खाते हैं, फोटो खींचे दिखाते हैं यहाँ से व्यू, कुछ ऐसा व्यू दिखता हुआ। पर भी है, लिया है रेडबुल, फिंगर चिप्स और मसाला पापड़ एंड पनीर पकौड़ा। सो खाते हैं आपकी मिलते हैं। सो कुछ खाकर नमस्ते कैफे में अभी हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए, देखते हैं, आधा घंटा बोल रहे हैं, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो वो देखकर फिर हम घर के लिए रिटर्न जा सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं सीधे बोट पे। हार्बर लाइट मतलब नदी समुद्र से संगम ಅದು ಅಗ್ನಾ ಶೇರಿವಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಹೋಗಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಾ ತಗೊಳ್ಳ ನೀವು ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಾವಿರ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು। अभी चलते हैं, मेरा फ्रेंड हमें अंदर मेरे अंदर से वीडियो ना फोटो कर। अभी हम जा रहे हैं, शुरू हो रहा है, चले हम है?
ट्रैकिंग भी है, ट्रैक भी कर सकते हो। ये है हाफ मून ब्रिज। हम आ गए बाहर, अभी सीधे घर। तो ये आ रहे हैं मेरे फ्रेंड पीछे। तो काफ़ी अच्छा बोट राइड रहा, काफ़ी सारे प्लेसेस देखने मिले, अच्छे प्लेसेस है। सो आप ट्रैक करके भी जा सकते हो वहाँ पर, हमको टाइम नहीं था सो इसलिए हम बोट राइड ले लिए। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट कब आते हैं इधर। अभी तो हो गया भाई, कैसा लगा ये बीच? बहुत अच्छा है बीच। और बोट राइड का भी बोलिए ना थोड़ा। बोट राइड तो मुझे अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस आया। अच्छा, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आधे घंटे में तो आप सारा देख सकते हैं। ओके, आपके पास टाइम है तो आप सीधा ट्रैकिंग कर सकते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं है, ट्रैकिंग अच्छा। करने में बहुत मजा आएगा, जंगल एरिया है। अच्छा, सेफ्टी बढ़ती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कैफे के बारे में क्या बोलेंगे? कैफे इसका टेस्ट भी मैं कहूँगा 8 out of 10। हाँ, टेस्ट से भी अच्छा मैं ये कहूँगा कि यहाँ के नज़ारे और व्यू okay. आप तो ये वीडियो में देख ही चुके होंगे। ओके, तो चिल टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है, आप 1-2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके okay. और आपको बोर नहीं होगा। ओके okay. और ये नज़ारा देखते हुए आप अच्छे से चिल कर सकते हो। ओके okay. तो ये थे संवाददाता अक्षय मिर्जे कैमरामैन प्रशांत के साथ ओम बीच गोकर्णा और बोट राइड सारा ख़त्म हो गया है। अभी फटाफट चेंज कर लेते हैं होटल में ही और फिर निकलते हैं घर के लिए। काफ़ी अच्छा था बीच, भीड़ उतना नहीं था बट अच्छा बीच था। तो मिलते हैं सीधे
होटल में। देखिए वो व्यू आ गया फिर से, एकदम बढ़िया व्यू यहाँ से दिखता हुआ। यहाँ से व्यू एकदम बढ़िया दिखता हुआ। अभी हम जा रहे हैं मेन रोड से, पहले हम आए थे अंदर गूगल की जय हो। ये मेन रोड जाता है रास्ता, ये आ गया मेन रास्ता। यहाँ से बस 2 मिनट चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं। पहुंच गए हैं, अभी फटाफट चेंज करते हैं, राइडिंग गियर पहनता हूँ और सीधे घर बेलगाम सिटी। सो चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं। ऑल सेट, बैग मैंने बांध लिया है, ग्लव्स डालना है और फिर निकलना है। थानोस थानोस, स्टार्ट बजे है 3:23, देखते हैं कितने बजे अरावल टाइम होगा। पेट्रोल रेंज है 219, तो हाईवे तो जाएगा ही। मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेस वे NH4, वहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो चलिए, बाय बाय टू गोकर्ण, सी यू नेक्स्ट टाइम। बसा तक हाँ काढ़ा ला इतने थे। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर मिलते हैं। सो पानी पीने के लिए रुके थे यहाँ पे कॉर्नर पे, पानी पी लिया, अभी सीधे हाईवे एग्जैक्ट 1528 यहाँ से डिपार्चर। अभी अरावल देखना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी बहुत ही बढ़ गया है अभी तो, ऊपर से मैं राइडिंग गियर। मिलते हैं हाईवे, गला भी खराब हो गया है, ऐसा ही होता है हर बार जहाँ भी जाओ तो पानी की वजह से हर
क्लाइमेट की वजह से पूरा गला पकड़ लेता है। अभी डॉक्टर को देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सो मिलते हैं सीधे हाईवे में। ये जो हाईवे से गोकर्णा तक 10 किलोमीटर है, ऐसा लगता है कि ये 10 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर है। जल्दी पहुँचते ही नहीं है बाहर, और अंदर आने में तो बहुत ही देर लग जाता है। जितना कवर आप हाईवे पे कर सकते हो 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा रोड है बट पता नहीं क्यों जो वो मंजिल क्या जिसमें सब कुछ ना हो, कहते हैं ना ऐसा ही है। ओवरऑल ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया था। हमारा प्लान सिर्फ 2 ही दिन का रहता है, 1 नाइट स्टे और दूसरे दिन हाफ डे देखो और निकल जाओ। सैटरडे संडे ही आते हैं हम, अभी कुछ लंबा प्लान करना पड़ेगा, 1 वीक नहीं तो 10 डेज या 15 डेज का तो सेटिस्फाई होगा। तो मिलते हैं सीधे हाईवे पे। देखिए कब से चला रहा हूँ, ये 10 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब जाके एक कॉर्नर पे आया हूँ, जस्ट हाईवे ही लगने ही वाला है। तो बहुत बाइकर्स आते हैं यहाँ पर, कोई कोई सोलो ही आ जाता है, कोई ग्रुप में जो चलता रहता है वो एक दूसरे को हाथ करते हैं। अभी एक बाइकर पीछे गया, तो मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था, क्योंकि मतलब नहीं बनता ना, तो फुटेज ज़्यादा हो जाएगा तो एडिटिंग भी उतना ही काम पड़ेगा, और ढूंढ ढूंढ के फुटेज लेना पड़ेगा। इससे अच्छा जो अच्छा फुटेज है वही बोल दो, वही कर दो बस। सो ये पहुंच गए हम हाईवे। अगर अच्छा वाला मिला 4 घंटे में कवर कर सकते हैं, अगर रास्ता खराब है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। वो मेरे फ्रेंड्स उससे आगे भी जाना पड़ेगा इनको निपानी की ओर, निपानी से और 10 किलोमीटर ही पड़ेगा इनका गांव वहां से है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, देखिए ऊपर हाईवे क्रॉस कर लिया तो पहुंच जाएंगे। तो मेरा फ्रेंड आगे गया है, उनको आगे ही मिलेगा, वो वहाँ से फिर नॉन स्टॉप। ह्यूमिडिटी, ओनली ह्यूमिडिटी, नथिंग एल्स, ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है यार। K25 स्टेट जाना है। ये चलो ये हमारा लग गया घर जाने का रास्ता। और ये हम चले ऊपर, अभी नीचे थे अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए पूरा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चला हलू मार मन रे, चला है कि नहीं, झटके झटके पसू नको मन सांग, आता ते लूज होणार बघ, कारण का सांग ते लायलनचं हे आहे। सो मिलते थोडी देर में, एक क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि अभी जिगजॅग है रास्ता,
उतना भीड़ तो नहीं लग रहा रास्ते पे जितना आने आते वक्त मिला था, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो अभी तो दोपहर है उतना नहीं मिलेगा। ये देखिए बाइकर्स, ऐसा आते रहते सोलो। ये देखिए कोई कोई स्कूटी पे भी आता है, स्कूटी में भी अपना ही मज़ा है और हैवी ड्यूटी बाइक के अपना ही मज़ा है। आप कौन सा चूज़ करते हो उस पे डिपेंड है। पैच वर्क किया है इन्होंने, देखिए ये काम अच्छा किया है, वरना वो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।